जी कैसे हम लोग? सही होप ठीक होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। और हमें जाना था, फाइनली हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। और हनी ऑफिस में मिलवाती हूँ आपको। कैसे लगा आपको यहाँ का मौसम? बहुत ठंडे, बहुत ज़्यादा सर्दी है। हम और हमारी मंजिल कहाँ की थी और हम कहाँ आए हैं? तो जहाँ हमारी मंजिल थी, जहाँ हमें आना था, फाइनली हम आ चुके हैं। बाकी अंदर जाएंगे, अंदर हमने और भी मस्जिद आगे जाना है, कहाँ जाना है वो भी आपको दिखाएंगे। तो आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, हमारे साथ साथ रहना है, बने रहना है और हमारे साथ साथ इंजॉय करना है, सर्दियों का मज़ा लेना है। जी हाँ, अभी हम रोड पे खड़े हैं, सर्दियों का मज़ा लेना है, हम भी छुट्टियों का मज़ा ले रहे हैं। मेरी भी स्कूल की छुट्टियाँ हैं, सफर मज़ा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत लंबा सफर था। रात नहीं होती तो आपको वीडियो जरूर दिखाते हैं। जी जी, तो मिलते हैं आपसे अंदर जाकर। हम रोड पे खड़े हुए ब्लॉग बना रहे हैं और सब हमें ना बड़ी हैरान भरी नज़रों से देख रहे हैं। तो जाते हैं अपनी फाइनली जहाँ हमारी मंजिल है उधर, और फिर मिलते हैं आपसे वहाँ जाकर। हाँ तो फ्रेंड, हम फाइनली पहुँच गए और हमारे पास गाड़ी आ गई है पिक करने के लिए, और ये ड्राइवर अहमद भाई भी आ गए हमारे पास। अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम। रास्ते में और देखे यहाँ पे कितनी हरियाली है, बहुत जबरदस्त व्यूज है यहाँ पे, व्यू है। और ये बच्चे बैठे हैं, सफा भी और राफी भी, और ये हमारी चुन्नी मुन्नी हनी भी। कैसा लगा आप लोगों को? फाइनली हम पहुंच चुके हैं और अभी मिलवाते हैं राबिया आपी से, क्योंकि राबिया आपी हमारे लिए बना रही है नाश्ता, और मैंने कहा यहीं पे मिलवाते हैं नाश्ता बनाते बनाते। अस्सलाम वालेकुम राबिया आपी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू पंजाब, हमारा विलेज। पहुंच गई आखिर? आखिर में पहुंच ही गई, ये मोहब्बत होती है जो खींची चली आती है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। मैंने कहा मेहमान आने वाले हैं, मेहमानों के आने से पहले ही मैंने कहा मैं नाश्ता तैयार कर लूँ। हाँ जी, यहाँ पर नाश्ता बन रहा है बनाने वाले, और ये वही अंगीठी है जो आपने देखी थी वीडियो में, चलता फिरता चूल्हा, चलता फिरता चूल्हा। वाकई ये चलता फिरता चूल्हा है, वीडियो में कुछ और ही मतलब अलग लग रहा होता है, लेकिन रियल में जो है ना वाकई चलता फिरता चूल्हा लग रहा है, जहाँ दिल चाहे उठा के ले जाओ। और अहमद भाई आप खड़े हुए क्यों हैं? बस मैं भी बैठूंगा, आप नाश्ता करें, सुकून करें, थके हुए हैं आप, थोड़ा सा हाथ सेक लें, फिर आपका आयल की थैली लेकर आना तैयार है, और आराम से आप सुकून करें क्योंकि आप थके हुए काफी से ज्यादा। नाश्ता करके लम्बा पै जाओ, लम्बा पै जाओ। नहीं वैसे यहाँ आकर थकान खत्म हो चुकी है। हाँ जी हाँ जी, वैसे वाकई ये है ना कितनी थकान हो रही थी रास्ते में, बस जल्दी से आ जाए और यहाँ कैसे एकदम। मैंने जो गाड़ी बोला था ना, आप उस गाड़ी पे नहीं बैठी, आप लोकल पे बैठ गई हैं। हम जब वहाँ पे गए इतने सारे जो है ना लोग आ गए थे, जब रक्षा मार्ग वो इसी तरह से रोकते हैं वो रक्षा आगे नहीं जाने दे रहे थे, आगे जाने नहीं दे रहे थे रक्षा, चले जाते तुम, उनका तो कोई जोर ही नहीं, उन्होंने कहा तुम उनसे थोड़े से तल्ख लहजे में बात करते ना तो वो जाने भी देते। चले भैया, अभी अभी नाश्ता बना रही है, नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड हम आ चुके हैं, फ्रेश हो गए, और ये बच्चे देखे बाहर खेल रहे हैं। आप ये ना फे सर्दी हो रही नहीं हो रही अब? हम्म, मतलब दिन का टाइम हो गया तो थोड़ी ठंड कम हो गई है, और हम आ चुके हैं यहाँ पर अब, और सुबह भी आ गई है। राबिया आपी और अहमद भाई अभी नहीं हैं, हो गए हैं मार्केट काम से, तो बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, मैंने कहा चलो आ जाते हैं बाहर, बाहर के नज़ारे दिखाते हैं। तो बाहर का व्यू देखें आप, कितना ज़बरदस्त है, हरियाली हरियाली हुई है पूरी पूरी बाहर, बहुत क्लास की जगह है। मौसम वाकई बहुत ज़्यादा ठंडा है, और धूप तो यहाँ पे है ही नहीं, धूप है ही, और जो धूप है उसकी धूप में तपिश ही नहीं है, बिल्कुल जो है मौसम ठंडा हुआ है। आइए हनी। तो ये हनी भी आ चुके हैं, ये खेल नहीं, सुबह से सोई भी नहीं एक मिनट के लिए भी।
इसको वहाँ से आई है और आने के बाद से जो है ना हनी सोई है ना राफे। चलो हम लोग अभी दोपहर के हो रहे हैं तीन, हम लोग नाश्ता वाश्ता कर कर सोकर भी उठ चुके हैं और अब वेट कर रहे हैं राबिया के लोगों का और आपका नहीं लक्ष्य राबिया भी आ जाए तो, क्योंकि हम उस टाइम जो है राबिया भी जब हम लोग आए थे नाश्ता सिलेक्ट करके राबिया लोग चले गए थे, हम लोग सो गए थे तो अभी उठे हैं राफे और आपके समझ पाते हैं। वही देंगे सारे बच्चे खेलने में लगे हुए हैं, सारे बच्चे लगे हुए एक दूसरे मस्तियों में। ये मोहल्ले की बच्ची भी शरारतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, राफे को हुलिया दिखाए, राफे की शरारतें जो है यहाँ आने के बाद डबल हो गई हैं। वही हनी भी खड़ी इनके साथ में। ये तो मामा ने खेलने में कि पूछ भी नहीं रहे पापा कहाँ हैं कहाँ नहीं, इनको फिक्र ही नहीं है, इतने खेलने में मस्त हुए हैं। और ये देखे जी पूरा ये साग है और कितने दूर तक है वो पूरा साग ही साग है और इसमें आम के दरख्त भी लगे हैं। हाँ ये मेरे ख्याल से वही है जहाँ से रबी आप ही ने आम तोड़े थे है ना। आज दो दिन दरख्त नहीं लगे होंगे ना, मैं देखती हूँ अगर यहाँ जाकर पिक्चर्स ले सकें तो फिर अंदर जाते हैं पिक्चर्स विक्चर्स लेते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है, पिक्चर्स तो वाकई बहुत प्यारी आएंगी। वो एक फिल्म है ना जिसमें इस तरह से बना हुआ होता है, वो कौन सी है शाहरुख खान की और काजल की जिसमें काजल भागती हुई आ रही होती है? नहीं नहीं दूसरी फिल्म है, वो ऐसे ही होता है। हाँ पर जो है हमने एक चीज़ ढूंढी, ये देखें ये देखें बीच में छुप कर जो है ये बैठा हुआ है। इतना प्यारा लग रहा है, इतना मासूम सा लग रहा है। और वहाँ पर राबिया अपी और अहमद भाई भी आ चुके हैं। उनका हॉर्न बजना शुरू हो गया। क्या कर रही हैं आप? मैं जो है कपड़े ड्राई कर रही हूँ क्योंकि राबिया अभी मार्केट से आई है तो बिजी हो गई है खाना बनाने में, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही है तो मैंने कहा चलो तब तक राबिया अपी का थोड़ा हाथ बटा दूँ और जो है कपड़े ड्राई कर दूँ। और यहाँ पर जो है राबिया अपी लोगों का सामान भी आ चुका है, सामान दिखाते हैं। राबिया अपी खाना बना रही थी वो भी दिखाते हैं आपको। तो ये राबिया अपी की आ गई डाइनिंग टेबल, अहमद भाई लोगों की सामान उतर रहा है। ये तो देखें ये इनका आ गया बच्चों का बेड, बहुत क्यूट सा बेड है ये। ये इसका एक तरफ का पल्ला है, बाकी डाइनिंग टेबल की चेयरें आ गई हैं, बाकी सामान उतरते तो आपको दिखाते हैं हम। तो आप किससे इसे कर रही हैं इसको, मतलब मशीन में? पहले इसको डालते हैं मशीन में, ये है इसको हम अच्छे से अंदर लगा देते हैं। ओके फिर बिल्कुल अच्छे से लगाने, ठीक है आप सीख लीजिए इसके अंदर आप भी, ठीक है? हाँ मैं सीख रहा हूँ, मैं खुद ही क्या करूँगा फिर नेक्स्ट टाइम, फिक्र नहीं करें। हमारे घर ये देखे तो अभी लगे हुए काम में, बहुत कपड़े धोने की एंजॉय हो रही है जी पहले दिन आते ही। नई नई चीजें सीखने को मिल रही है, ये चीजें सीखने को आती नहीं आती। ये देखे अहमद भाई डंडा लेके आए, सीखो सीखो, ये देखो तो फ्रेंड ये है बेर का दरख्त, तो इसमें लगते हैं बेर बड़े ये हैं, कच्चे कच्चे बेर देखो तोड़े देखें, ये देखें इन्होंने ये थैली पूरी भर ली है। तो ये कच्चे बेर हैं, आप लोगों ने तोड़ना ही तोड़े क्यों बेटा, कच्चे बेर थोड़े टूटते हैं। राफे आप भी तोड़ने में लगे हो? तो फ्रेंड ये बेर बहुत सारे लगे हुए लेकिन कच्चे हैं अभी, बेर छोटे हैं, जो बड़े बेर आते हैं ना कराची में वैसे बड़े बेर हैं लेकिन अभी पकेंगे से जाएंगे फिर। नहीं तोड़ो बेटा, कच्चे बेर नहीं खाते, ओके? कोई भी नहीं खाएगा कच्चे बेर, सही है? किस चीज़ की बारिश करेंगे आप लोग, कैसे बारिश करेंगे मतलब? नहीं कितनी बुरी बात है ना, आपने रिस्क को तोड़ लो जाया करो, गलत है, आप मत तोड़ो, पकने दो उनको दरख्त पे, ओके? ये आ चुकी है डाइनिंग टेबल का सेट और ये इन्होंने इसको सेट भी कर दिया यहाँ पर, बहुत ही क्यूट है। और बच्चों के लिए बेड भी आया, वो सामने जाल पड़ा हुआ उसका और बेड अहमद भाई ने रख दिया अंदर। तो ये 6 चेयर है इसकी और ये बहुत ज़बरदस्त, अभी परचेज करके आए हैं अहमद भाई लोग। यहाँ पर खाना बन रहा है हम लोग लिए और राबिया आप ही और अहमद भाई दोनों मिलकर खाना बना रहे हैं। दोनों मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं और हम चाहते हैं कि हम मेहमानों को अच्छे से जो है ना उनका वेलकम करें। सही है, तो यानी आज का जो खाना है वो राबिया आप ही और अहमद भाई के दोनों के हाथ कर दूर से आई हो
हम कराची से आए, वाकई बहुत दूर से, बहुत दूर से आप आई हो जहाँ से हमारी बसता है। अच्छा, मिर्ची हल्की हो या तेज हो? हाँ ये बता दो, आप जब तेज नॉर्मल नहीं, वही हमारे बच्चे और हम जो है बिल्कुल नॉर्मल खाते हैं, हम कराची वाले तेज खाएं तो सारी रात सो नहीं पाए। अच्छा, हमारा विलेज आपने एंजॉय किया? जी हाँ, अभी तो फिलहाल थोड़ा थोड़ा देखा है, अभी तो आप लोग फ्री हो जाएं, फिर हमने पूरा विलेज घूमना है आपका, क्योंकि आपका विलेज बहुत भी नहीं है। नहीं नहीं, हम जल्दी नहीं भाई, क्योंकि हमने आपसे और भी तो क्लास लेनी है, जो कि हमने शुरू में हाँ आई थिंक 50 भी नहीं थे, हाँ 50 सब्सक्राइबर भी नहीं थे जब मैं राबिया आपी और अहमद भाई से मिली थी, और जो है मुझे जो सिखाने वाले थे स्टार्ट में वो राबिया आपी और अहमद भाई ने सिखाया था, यानी मेरे टीचर है ये। अभी और भी बहुत कुछ सीखना है आपने? जी जी बिल्कुल, सीखने के लिए जी बहुत कुछ अभी तक सीखा है और मजीद आगे बहुत कुछ सीख के जाना है आपसे। और मैंने आपको जब स्टार्ट में मिला था तो मैंने आपको क्या कहा था कि आपके अंदर ऐसी चीजें हैं कि वो आपको आगे लेके जा सकती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको जी 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 बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है, आपने मुझे काफी अप्रिशिएट किया था, काफी चीजें आपने कही थी सबा आप ले जाओगे, उस टाइम मेरे 50 सब्सक्राइबर भी नहीं थे, उस टाइम की बात है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, एक बात है, मेहनत आप में होनी चाहिए, लगन आप में होनी चाहिए, आप समझ लेंगे दुनिया की हर उस चीज को पा सकते हैं जिसकी आपको ख्वाहिश है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बस हमारी मेहनत जारी रहेगी और आप लोग की भी थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा हमें सपोर्ट करके। और अपने फ्रेंड 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 से कह रही हूँ, मेरी मेहनत जारी है, मैंने कहा अब थोड़ी मेहनत वो भी मेरे लिए करेंगे हमें सपोर्ट करके ना। देखने वालों से गुजारिश है हमारी के बहन के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो राइट देखिए नीचे रेड कलर का, हाँ वो भी बिना किसी टैक्स के, प्लीज प्रेस टैग को सब्सक्राइब बटन। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, थैंक यू। और यहाँ हम राबिया आपी के पास चलते हैं। हाँ जी राबिया आपी, क्या बना रही हैं खाने में? मैं बना रही हूँ वाइट चावल और चिकन, मटर चिकन, रोटी है, फल फ्रूट है। अच्छा जी, फल फ्रूट है। हाँ, सही तो हम लोग सेब और किन्नू। सही, तो बस जल्दी से राबिया आपी खाना बना लेती हैं, भूख बहुत लग रही है, खाना वाना खा कर फिर आपसे दोबारा मिलते हैं, एंड जो है खाने के बाद ही अब हमारा होगा वीडियो होगा, ठीक है इंशाल्लाह। सिकंदर आप अकेले अकेले खा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्रेश हो रही, और आपको भी साथ खिलाऊंगा, ये यहाँ की बगल, आप मुझसे छुपा रहे थे, छुपा रहे यहाँ की, नहीं आपने छील लिया, आप छुपा रहे थे, नजर लग गई आपकी, तो मेरे बगैर क्यों खा रहे थे आप? नहीं तो मेरे बगैर खा रहे थे ना, इसीलिए। सिकंदर ये आपको पनिश मिली है कि आपने जो है ना मेरे बगैर खाने का सोचा भी कैसे? खुद इसे के लिए आपने नजर लगाई, अब आप अहमद को बताएंगे, अहमद को नजर लगी। तो मेरे बगैर खाना नहीं था ना ये आपने? नहीं तो मैंने आपकी तोड़ लिया था, आपने नजर लगाई। अच्छा दिखाए जरा मैं देखूं तो ये होते किस तरह के, जरा दिखाइएगा। नहीं वो वाला नहीं, वो वाला बस सही है। हाँ ये तो है, जब भी मैंने कहा यहाँ का ना मैं जायका टेस्ट करती हूँ। सिकंदर अकेले अकेले खा रहे थे, कैसे है ना इसकी खुशबू ही, ये बता रही है कितने फ्रेश है ना, खुशबू से ही पता चल रहा है। आप भी खा लो, रखड़ेंगी नहीं हो रही? नहीं नहीं, मैं ये कैमरा बंद करके खाऊंगी भाई। इतनी सर्दी में ठंडे पानी से फ्रूट को वॉश कर रहे हैं? ठंडा पानी नहीं है, ठंडा नहीं है, ये जेरे जमीन पानी है, बोरिंग का गर्म पानी है। अच्छा, मतलब आप जैसे चलाएंगे बिल्कुल, यहाँ के पानी की ये खासियत है कि सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा। बहुत बहुत अच्छी बात है, तो मैं तो डर गया कि ठंडे पानी में मतलब हाथ डाल लें, वो ठंडा पानी तो बहुत लगता है। सुबह सुबह भी आप देखिएगा इसी पानी में से धुआं निकल रहा होता है। छत पर और आपको दिखा दो थोड़ी हरियाली, और देखें ये सनसेट है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। ये देखिए मैं आपको क्लियर करता हूँ उसको ज़रा, तो यहाँ इतना ज़्यादा बादल खुले हुए नहीं है मौसम की वजह से, और यहाँ पे जो है सारी हरियाली चल रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, फुल हरियाली हरियाली है। ओ रा सूरज, तो बहुत ज़बरदस्त, देखिए फुल हरियाली है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना। आप लोगों को फ्रेंड बताइएगा कमेंट से मुझे कि आप लोगों को जगह कैसी लगी, फुल हरियाली है।
बहुत बेहतरीन लोकेशन है। और ये सामने मस्जिद तामिर है, ज़रा तामिर मस्जिद वो बनने सामने मस्जिद, बाकी इसको करीब से और दिखाएंगे हम कल इंशाल्लाह आपको खाने की टेबल पे। और देखिए ये रिवायती हमारा अंदाज है रोटी का, ये बहुत ज़बरदस्त। और मैं सर्व भी करें, देखें ये बहुत, ये देखिए बच्चे तक खाने में बिल्कुल मगन है सारे बच्चे। और आप भी आ जाओ रुच सबा दिखाओ, बुरी बातें दिखाओ जल्दी से मैडम। तो इन्होंने स्पून खाते में इतना जोर लगाया है, भूख के मारे इनकी जान निकल ली थी, उन्होंने स्पून तोड़ दिया। ऐसा नहीं है वो। तो ये नुकसान किया है भाई का इन्होंने, कि इन्होंने स्पून तोड़ दिया। आप स्पून होगी खाते स्पून देना चाहिए था हमें पहले बताते, हमें नहीं पता था टूट जाएगा। डबल लेंगे, डबल डबल लेंगे, सफा से भी डबल लेंगे। सही है, आप यहाँ लाजमी लीजिएगा, वीडियो दिखाने का मकसद ठीक है, वो नुकसान तोड़ दिया उन्होंने। तो आपने क्या किया, तोड़ दिया। तो फिर नहीं, बच्चे सब खाना खाने में लगे, सब मस्ती शुगल चल रहा है, बिल्कुल घर जैसी बात है यहाँ पर। खाना हम लोग खा चुके हैं, खाना मतलब खा लिया, अब जो है चाय बन रही है सर्दी के मौसम में, गर्मा गर्म चाय, वो भी जो है लकड़ी के चूल्हे की, बात ही कुछ और है, लकड़ी के चूल्हे पर चाय। तो फिर आपने बताया कि हमारे भी घर में कभी जब गेस्ट आते हैं तो इससे से लकड़ी यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसी नहीं यूज़ करते होंगे आप, जैसे ये चूल्हा बना हुआ हम लकड़ी चीज़ वाला यूज़ करने हम ऐसे कैमरा मैंने पकड़ लिया जी सभा का, और ब्लॉग बना के इसको बनाया हुआ कच्चा चूल्हा। अच्छा, प्रॉपर बनाया हुआ ना, ये तो हमारा चलता फिरता चूल्हा है, तो बस चाय पीते हैं हम अपने, करेंगे ब्लॉग का एंड, क्योंकि ब्लॉग हो जाएगा बहुत ज्यादा लंबा और आप हो जाएंगे फिर देखते देखते बोर। तो मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और अच्छी वीडियो में, नए ब्लॉग के साथ, किसी और में नहीं, इन्हीं के साथ अगली वीडियो में, किसी और वीडियो में कह रही हूं, अच्छा वीडियो में। तो रखिएगा, हम मिलते रहेंगे मतलब की वीडियो में आपको मुसलसल इंशाल्लाह हम लगे में यहाँ पर वीडियो बनाने में, और अपनी दुआओं में हम सबको अपने याद रख रहे हैं, हम भी अपने दुआओं में याद रखते हैं। अल्लाह अल्लाह के बाद अल्लाह के बाद।